साल 7 बजे मुझे हो गए, उससे मैंने नौकरी करी, मैंने बहुत मेहनत करी, सफलता मुझे नौकरी में नहीं मिली। पार्ट टाइम जिस चीज को मैंने शुरू करा, पहले मैंने की इनकम थी 122 रुपए, तो लोगों ने मेरी बहुत इज्जत करी, बहुत फूल वाला मुझे पहनाई, 122 कमाता वाला लड़का। तो फिर 542 आई, फिर 1900, फिर 13000 रुपए आया, फिर 9000 आया, फिर 11000 रुपए आया, फिर 10, 25, 50, फिर 1 लाख रुपए आया, फिर 1.5 लाख आया, फिर 2 लाख आया, फिर 2.5 लाख आया, फिर 3 लाख आया, फिर 3.5 लाख, फिर 4 लाख। लास्ट महीने की जो मेरी हाईएस्ट इनकम है, वैसे तो मैं महीने की बात कर रहा हूँ, कतई शक मत करना, वो अलग बात है, मेरी शक्ल 15 वाली है, वो बात अलग है, लेकिन जो मेरी महीने की इनकम है, रिकॉर्ड मेरे सीए के बाद आप जा सकते हैं, जो मेरे लास्ट महीने में जो इनकम मेरी आई है, वो महीने की 5 लाख रुपए कितनी। लास्ट 3 से 4 महीने की इनकम मेरी वैसे में 20 लाख रुपए है। और सबसे अच्छी बात, बाहर आपकी गाड़ी प्रेजा 10 हजार टूट की बेचारी लो, उसका आगे में शीशा भी खुले, मैं समय नहीं उसको ठीक करवाने का। बाहर आपकी गाड़ी मैंने रेस्टी से भी भेजा कार में चलाता हूँ, रेस्टी से लगभग सबसे जो मेन रीजन था रेस्टी में आएगा, आपको बताता हूँ। देखो सर, 27 साल हो गए दिल्ली में रहते हैं, आज तक घर नहीं हमारे पास, आप रहते हैं पश्चिम पूरी जगह, आपका भी आना पश्चिम घर में, वो हमारा घर है, वो मेरा घर है, वो दादाजी घर है, एक्चुअली दादा ने घर बनाया बच्चों के लिए, किसके लिए, उनके बच्चे पैदा हो गए। अब मेरा घर कितना, मेरे घर कैसा है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड ग्राउंड, ऐसा होता नहीं होता है, तो ग्राउंड पे चाचा है जो ये बैठे होंगे, अभी कहा चाचा नहीं आते अभी नहीं, उसके बाद बड़े चाचा है ज्वांशु, उसके बाद हम है, तो घर किसके लिए बना, बच्चों के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों के बच्चे पैदा हो जाए, यानी कि हम नीचे वालों को 2 बच्चे आ रहे, ऊपर वालों को 3 है, हम को 2 फुस गए। तो अब सवाल है कि मैं कहाँ घुसूंगा, और हमारे घर की खासियत, हमारे घर का तो मेरे खासियत क्या है, घुसते ही खत्म हो जाता है, सामने दीवार है ना उसके। तो मैं जब वेस्टीज में आया, तो मैंने सुनसान से पूछा कि क्या मैं वेस्टीज में घर ले सकता हूँ, मैंने कहा अगर तू मेहनत करेगा वेस्टीज में तू घर ले सकता है। और सर बता दो, जो वेस्टीज में 3 साल मुझे आज हो गए, और वेस्टीज की इनकम से क्या पता इसी में डील फाइनल हो जाए मेरी, इसके नेक्स्ट में नेक्स्ट महीने के अंदर रोहिणी के अंदर देना पड़ेगा, रोहिणी में लगभग 85 लाख का, 90 लाख का मैं खुद के दम पर मकान लेने वाला हूँ। टॉप के अमीर रहते हैं अभी, टॉप के अपन भी अमीर, अपन वही रहेंगे, आप लेने वाला हूँ, जहां मैं रहता हूँ, अच्छा मैंने बेजा कार ली थी, 2-3 गली वाले घर में सारा नहीं पता, जितने मैंने मैसेज वहां ले ली, तो सारे 2-3 रुपये फांसी लगाएंगे उसी में।